नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर रेलवे स्टेशन के बाहर पार्क में एक व्यक्ति की मिली लाश, नहीं हो पाई पहचान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की माता सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में हुई नतमस्तक, की पंजाब के सर्वपक्षीय विकास की अरदास। आईपीएस गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने अमृतसर पुलिस कमिश्नर का पदभार किया ग्रहण, लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए जनता के सहयोग की मांग। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर रेलवे स्टेशन के बाहर पार्क में एक व्यक्ति की लाश मिलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना जीआरपी को दी, जिसके चलते एसआई केवल सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मृतक व्यक्ति की जेब से कोई ऐसा कागज नहीं मिला है जिससे उसकी पहचान हो सके। फिलहाल मृतक के शव को 72 घंटों के लिए पहचान हेतु शव गृह में रखवा दिया गया है। कुछ भी करके कोई ना कोई मरदा है। पुलिस ने तुसी सूचित किया? हाँ जी, मैं ही करते, मैं ही सारा कुछ देख रहा, मैं बैठा पिया सी, मैं मुंडे नु किया, मैं कहा जा मुलाजमा नु बुला के ले आया। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की माता सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंची, तो वहीं उनके द्वारा बेशक मीडिया से दूरी बनाई रखी, लेकिन उनके साथ भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। इस दौरान भगवंत सिंह मान की माता द्वारा केसरी दुपट्टा लेकर सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेका गया। ये पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की माता श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंची हो। इससे पहले भी कई बार उनके द्वारा सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर गुरु घर से आशीर्वाद प्राप्त किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की माता की ओर से इस बार भी सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होकर पंजाब के सर्वपक्षीय विकास और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरक्की के लिए अरदास की गई। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 2004 पंजाब कैडर के आईपीएस गुरप्रीत सिंह भुल्लर की ओर से अमृतसर पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया गया, जहां पर अमृतसर पुलिस जवानों की ओर से उन्हें सलामी देते हुए उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आईपीएस गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि वे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो कि उन्हें गुरु नगरी में सेवा करने का मौका मिला है और जल्द ही जनता के सहयोग से गुरु नगरी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे अमृतसर पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ जल्द ही मीटिंग कर सारा एजेंडा तैयार करेंगे और लोगों को इंसाफ लेने के लिए किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इस संबंध में अधिकारियों को आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में अधिकतर मुश्किलें ट्रैफिक को लेकर आती हैं, जिसके चलते इस और भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने अमृतसर निवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे पुलिस का सहयोग करें। पंजाब पुलिस एक बहादुर फोर्स है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सारा कुछ एनालिसिस होएगा, एग्जामिन करांगे, तो टाइम टू टाइम शेयर की जाएगी हर एक चीज़।
दूसरी जिहड़ी आम प्रॉब्लम हुंदी है सारे वड्डे शहरां च वो हुंदी है ट्रैफिक दी, उहनू भी असीं प्रायोरिटी देनी है। और जिहड़ियां भी चीज़ां आम नागरिक नूं कंफर्टेबल ते सिक्योर करदियां उस चीज़ वल ध्यान दिता जाएगा। लॉ इनफोर्समेंट जो होंगी वो सब तो मेन इंपॉर्टेंट गल है ऑर्डरलीनैस। तो मैं सारे अमृतसर वासियों भी बेनती करता कि पुलिस का सहयोग देन ताकि असी कानून जड़ा है उन्हों ग्राउंड ते इनफोर्स करके हरेक वास्ते कंफर्टेबल ते सिक्योर माहौल असी बनाईए। इस तो अलावा वेलफेयर जड़ा साड़ी फोर्स का है, पंजाब पुलिस एक बड़ी बहादुर फोर्स है, ट्रेडिशनली बहुत अच्छा काम करती है शुरू तो ही। तो मैं उन्हां दा वेलफेयर उन्हां नाल इंट्रैक्शन उन्हों भी प्रायोरिटी दी जाएगी। इस तो अलावा जिहड़ा मेन काम है विजिबिलिटी, आपां नूं वध तो वध पुलिस दिखे, लोग सिक्योर फील करन नाइट दे विच, दिन दे विच, अर्ली मॉर्निंग, वो सारा। इस तो बाद हुण मीटिंग रखी है मैं जीओज़ दा इंट्रोडक्टरी, तो उहदे च सारियां चीज़ां असीं डिस्कस करके तुहानूं बहुत जल्दी ग्राउंड दे उत्ते चीज़ां दिखणगियां। तो मैं तुहाडा सारिआं दा बहुत धन्नवाद करदा कि तुसीं टाइम कढ़िया और तुहाडे सहयोग की पूरी आस करदा। पुलिस साहब नशा बहुत वड्डी समस्या बणी, देखो साडे मानयोग सीएम साहब दा दो प्रायोरिटीज़ ने जी, नशा ते क्राइम, जिहड़े स्पैशली क्रिमिनल्स ने, गैंगस्टर्स ने। सो वो साड़ी प्रायोरिटी रहनी ही रहनी है। और तुहाडे मैं तां ही कहा कि तुहाडे फीडबैक की भी बहुत लोड़ पेगी। और मैनूं पता है कि जिहड़ा मीडिया साडा बेस्ट चैनल हुंदा जे तुसीं सीख सकदे आ। सो तुहानूं मैं वेलकम करदा इस गल वास्ते कि जिथे भी तुहानूं कोई गल लगे, और मैनूं पता नहीं कि मीडिया पुलिस का कोई ग्रुप बनया होया आम डिस्ट्रिक्ट बनया हुंदा, जे नहीं है तो असीं जरूर बना लाँगे। तुहाडे नाल टाइम टू टाइम इनफॉर्मेशन शेयर भी की जाएगी, और तुहानूं आप तुहाडे तों फीडबैक भी मैं जरूर लवांगे। और तुहानूं लगेगा कि आपां एक तौर पर इकट्ठे समाज वास्ते काम कर रहे हैं, सो दैट साडा समाज जिहड़ा नशा मुक्त भी होवे और क्राइम नूं असीं वध तों वध अंडर कंट्रोल रख सकीए। देखो जिहड़ा ट्रैफिक दा रेगुलेशन ते इनफोर्समेंट दो अलग अलग चीज़ां हैं जी, उहनूं आई अश्योर यू, तुहानूं विश्वास मैं दवाना कि असीं अज इस तों बाद मीटिंग रखी हुई है, ये सारियां चीज़ां मेरे जहन च ने और इहनूं असीं ऑन ग्राउंड डेफिनेटली तुसीं इंप्रूवमेंट देखो। दूसरी गल जिहड़ी एक्सटॉर्शन कॉल दी, साडा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। और तुहानूं पता है मानयोग सीएम साहब दे हुक्मां नाल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी इसे करके बनाई गई है। मैं भी काफ़ी देर तो जदों दी टास्क फोर्स बनी उहदे च भी ड्यूटी निभाई है। तो मैं सोचदा कि साडी प्रायोरिटी है, और असी सिटीजन नूं मैं पहले ही तुहाडे नाल शेयर कीता कि उहनूं सिक्योर बनाउणा साडी ड्यूटी है, एंड इहदे च कोई कोताही नहीं होएगी। फिलौर में नशे को लेकर कुछ नौजवानों में विवाद हो गया, जिसके चलते नौजवान आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दिए। कुछ ही देर में इस लड़ाई में महिलाएं भी शामिल हो गईं, और देखते ही देखते महिलाओं ने थाना फिलौर के नज़दीक पहुंचते ही मेन बाजार में एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसको महिला कांस्टेबलों ने आकर छुड़वाया और नौजवानों को काबू कर लिया। इस मौके पर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि उनकी ओर से मामले की जांच की जा रही है, जिसके बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। मेरे ना कंबो की होया किया, मेरा पोत चिट्टा बहुत पींदा, हां मेरी तो रात दे पेके लेके गए होया, हां और गुस्से होके बीमार हो गई थी टेंशन नाल, और घरों निकल गई तो गुड्डी मेरे कोल चढ़ दी कियो हुन ते चल गया सी, कहे मैं चिट्टा पी गया ना पोत तेरी मां भी गया तेरे सोरे ना जाई, बहुत दुखी होदी कुड़ी, और पिता जिट मैं सीएम जी से दाखिल किया रिया। नहीं हुन लड़ाई दा कारण की होया, की झगड़ा होया? झगड़ा कुछ नहीं, चिट्टा लैन जांदा दे करो, अज कोई जमान लड़ाई उठ लैना पार हो गई, असी उधर ही दौड़े फटाफट, फिर फाटक लगा, फाटक फिर मुड़ के आए, फिर असि देखा भी मेरे मुंडे नु सारे जने कुट ते लेके आ रहे, वो कला सी बाकी सारे जने सी, असि छुटान लगे,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਦੋ ਜਣੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਆਈ, ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਵੀ ਮਖਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਨੋਂ ਖਤਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਘਾਟੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੋੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੋਨੋਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੁਹੱਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੱਪ ਖਾਨਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। गत रात्रि बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार देव खरोड़ अपने सहयोगी कलाकारों सहित श्री हरिमंदिर साहिब अमृतसर में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेककर सरबत के भले की अरदास की, तो वहीं गुरुबाणी का श्रवण भी किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब बहुत ही बड़ा दर है, जहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं पहुँच सकता। ये गुरु महाराज जी की अपनी बख्शीश है कि वे उन्हें अपने दर पर बुलाते हैं। मीडिया ऐसी खबरों से गुरेज करे और अच्छा इंसान बने। वे गुरु घर का शुक्राना करने पहुँचे हैं कि उन्होंने उन्हें इतना कुछ बख्शा है और सरबत के भले की अरदास की है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मुक्तेश्वर मंदिर मैनेजमेंट कमेटी स्वामी लोचनानंद आश्रम बस्ती 9 में पंडित मनोज कुमार तिवारी के सानिध्य में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन की शुरुआत हुई। स्वामी लोचनानंद सरस्वती एवं स्वामी जगदीशानंद महाराज की प्रेरणा से शुरू हुई साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास देवकी नंदन पटियाला वालों ने अपने मुखारविंद से कथा का रसपान करते हुए श्री कपिल एवं नरसिंह अवतार संबंधी अवगत करवाया। कथा व्यास देवकी नंदन ने लोगों को सत्य धर्म अहिंसा के मार्ग पर चलने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संसार में जो मनुष्य माता पिता साधु संत में गौ सेवा का पुण्य कमाता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। पंडित मनोज कुमार तिवारी ने उपस्थित संगत को बताया कि कथा के दौरान श्री राम जन्म एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव सहित श्री कृष्ण की बाल लीलाओं सहित परीक्षित मोक्ष का व्याख्यान किया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। क्योंकि कारण ये है, जहां हमारे घर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, जहां हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए, जहां हमारे घर में गीता के श्लोकों का उच्चारण होना चाहिए, भागवत के श्लोक का उच्चारण होना चाहिए, जहां हमारे घर में संत महात्मा आए कीर्तन होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, आज हमारे घर में क्या है, हम लोग अपने घर में डीजे बजाते हैं, बच्चे गंदे गंदे गाने बजाते हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। हमारे ऋषियों ने संतों ने जो हमें दिया वो हम छोड़ करके भटके हुए हैं, और ये सारी चीजें कली की हैं। हम लोग घर में जाकर क्या देखते हैं, टीवी में सीरियल देखते हैं, और सीरियल में क्या दिखाया जाता है, सास बहू के झगड़े, कैसी युक्तियां। अरे घर में बैठ करके अपने घर में रामायण चला लीजिए, कितना आनंद मिलता है। और भगवान की याद बनी रहती है, और फिर घर में हनुमान चालीसा को चला के रखिए, सुंदर कांड को चला के रखिए, अच्छे अच्छे भजन चला के रखिए, स्वयं बच्चों को साथ लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रामचरितमानस के दोहे चुपाइयां खुद पढ़िए, उनको पढ़ाइए,
गीता के श्लोक खुद पढ़िए, उनको पढ़ाइए, क्योंकि ये सब पॉजिटिविटी है। जितनी पॉजिटिविटी हमारे घर में आएगी, क्योंकि ये ब्रह्म वाक्य हैं, जितना इनका उच्चारण होगा, जितना ये घर में सब होंगे, नेगेटिविटी दूर भागेगी। नेगेटिविटी मतलब कली, कली वहां टिक नहीं सकता जहां पे ये सब होता है। शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, विनी सावरिया, चंद्र कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। राधा
रानी झूला झूले ओड़े चुनर तारा रे राधा रानी झूला झूले ओड़े चुनर तारा रे राधा रानी झूला झूले ओड़े चुनर तारा रे राधा रानी झूला झूले अरे श्याम झूले हनुमत झूले झूले शंभु त्रिपुरारी राधा रानी झूला झूले ओड़े चुनर तारा रे 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 बोले आए हैं बजरंगी वीर पधारे हैं बजरंगी वीर पधारे हैं बजरंगी वीर पधारे हैं बजरंगी वीर पधारे हैं जो राम के सेवक प्यारे 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 हैं सब भक्तों के रखवाले हैं सब भक्तों के रखवाले हैं सब भक्तों के रखवाले हैं
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर रेलवे स्टेशन के बाहर पार्क में एक व्यक्ति की मिली लाश, नहीं हो पाई पहचान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की माता सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में हुई नतमस्तक की पंजाब के सर्वपक्षीय विकास की अरदास। आईपीएस गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने अमृतसर पुलिस कमिश्नर का पदभार किया ग्रहण। लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए जनता के सहयोग की मांग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।